हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल। सो टुडे वी हैव टू डिस्कस, सो हमारे जो गलती से 24, 25, 35, 36, 37 ये पेज छूट गए थे वो हम आज स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो 24 पेज नंबर 24 पे स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 3, पिन अ प्रोग्राम आइकॉन टू द स्टार्ट मेन्यू। इफ यू आर यूजिंग दिस प्रोग्राम रेगुलरली you can create your shortcuts on the start menu. This is called as the pinning a program icon to the start menu. आपको एक प्रोग्राम जो है आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं उसका आपको एक शॉर्टकट बनाना है, तो स्टार्ट मेन्यू पर जाके आप उसका शॉर्टकट बना सकते हैं। This is called the pinning a program icon to the start menu. So वो जो प्रोग्राम आता है वो स्टार्ट मेन्यू में आपका रेगुलरली यूज़ में आ जाएगा। ये देखिए इमेज में पिन प्रोग्राम्स ये है, ये रेगुलरली आप जो प्रोग्राम्स या एप्स हैं वो यूज़ करते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। ऑल पिन प्रोग्राम्स अपीयर ऑन द लेफ्ट पेन ऑफ द स्टार्ट मेनू। ये जो लेफ्ट पेन वाइट वाला दिखा हुआ है यहाँ पे रेगुलरली यूज्ड वाले प्रोग्राम आपके आ जाते हैं। लेट अस पिन कैलकुलेटर आइकॉन टू द स्टार्ट मेनू। पिन जो है कैलकुलेटर आइकॉन टू द स्टार्ट मेनू पे जाएगा। पहला है ऑन द स्टार्ट मेनू पॉइंट ऑल प्रोग्राम्स टू द सी सब मेनूज। ऑल प्रोग्राम्स पे जाके आपको सब मेनू सब दिख जाएंगे। ऑन द ऑल प्रोग्राम सब मेनू क्लिक्स ऑन द एसेसरीज। ऑल प्रोग्राम्स पे जाके आपको एसेसरीज पे क्लिक करना है, उसके बाद ऑन द एसेसरीज सब मेनू पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है तो आपको उसका शॉर्टकट दिख जाएगा। ये देखिए नीचे दिया हुआ है, पहले तो उसका कैलकुलेटर पे जाएंगे। कैलकुलेटर के राइट क्लिक करने के बाद ये विंडोज ओपन होगा, ये ओपन रन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वाला, उसके पिन टू स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे तो उसका शॉर्टकट तैयार हो जाएगा। ऑन द शॉर्टकट मेनू क्लिक ऑन द पिन टू स्टार्ट मेनू। तो उसको पिन शॉर्टकट मेनू पे क्लिक करना है तो पिन टू स्टार्ट मेनू के बाद उसका शॉर्टकट तैयार हो जाएगा। फिफ्थ, ओपन द स्टार्ट मेनू अगेन। स्टार्ट मेनू फिर से ओपन करना है। यू कैन सी द कैलकुलेटर आइकॉन पिन ऑन द स्टार्ट मेनू। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन आइकॉन जो है आपने कैलकुलेटर किया था वो है यहाँ पे आ गया स्टार्ट मेनू में। ओके, फोर्थ है अनपिन अ प्रोग्राम आइकॉन फ्रॉम द स्टार्ट मेनू। तो स्टार्ट मेनू में से वो जो हमने पिन किया था वहाँ पे डाला था वो अनपिन कैसे करा जाए। टू रिमूव अ प्रोग्राम आइकॉन फ्रॉम द स्टार्ट मेनू इज कॉल्ड एज अनपिन अ प्रोग्राम आइकॉन। लेट अस अनपिन द कैलकुलेटर आइकॉन फ्रॉम द स्टार्ट मेनू। तो कैलकुलेटर का जो आइकॉन है हम स्टार्ट मेनू से अनपिन कैसे कर सकते हैं, मतलब रिमूव कैसे कर सकते हैं। पहला है ओपन द स्टार्ट मेनू, एज यूजुअल ओपन द स्टार्ट मेनू हमें करना है, ओपन करना है। उसके बाद ऑन द लेफ्ट पेन राइट क्लिक ऑन द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे राइट क्लिक करने के बाद यू विल सी अ शॉर्टकट मेनू। आप शॉर्टकट मेनू देखेंगे राइट क्लिक करने के बाद, उस पर दिया हुआ देखे अनपिन टू द स्टार्ट मेनू फोर्थ नंबर का दिया हुआ है, उस पर आपको जाके राइट क्लिक करना है तो वो प्रोग्राम अनपिन हो जाएगा। क्लिक करने के बाद वो विंडो फिर से एक्टिव हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है मिनिमाइज रिस्टोर डाउन मैक्सिमाइज एंड क्लोज्ड विंडो। विंडोज को मिनिमाइज कैसे करते हैं, रिस्टोर डाउन कैसे करते हैं, मैक्सिमाइज कैसे करते हैं और क्लोज डाउन विंडोज कैसे करते हैं। देर आर थ्री ऑप्शन ऑफ द डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स एंड म्यूजिक। सो आपने देखिए डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी खोली हुई है, सेकेंड नंबर है पिक्चर्स लाइब्रेरी, थर्ड है म्यूजिक लाइब्रेरी खोली हुई है। देखिए और एक्टिव विंडो कौन सी है, म्यूजिक वाली। ये हाईलाइटेड विंडो जो है वो म्यूजिक वाली है। तो ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर में ये जो चिन्ह दिया हुआ है, डैश दी हुई है, डब्बा दिया हुआ है, ये जो पहली डैश है वो है मिनिमाइज करने का, किसका है। सो यहाँ पे देखेंगे ऑन द टाइटल बार ऑफ द म्यूजिक विंडो, ये म्यूजिक विंडो खोली हुई है, क्लिक ऑन द मिनिमाइज, ये जो डैश है मिनिमाइज, तो विंडोज है वो मिनिमाइज हो जाएगी और वो विंडोज एक्सप्लोरर के यहाँ पे छोटी सी साइज में आ जाएगी। द विंडोज डिसअपीयर ऑन फ्रॉम द डेस्कटॉप। जो डेस्कटॉप पे से पेज पे से आपको वो रिमूव हो जाएगी, रिमूव नहीं होगी वो सिर्फ मिनिमाइज हो जाएगी, बैकग्राउंड में चलती रहेगी, सिर्फ आपको दिखेगी नहीं। You can now see the two windows, documents and pictures on the windows to the active window. Okay, so वो window आपको छुपाने के बाद active window जो दूसरी है उसके पीछे की है pictures वाली, वो active window हो जाएगी आपकी। Okay, so second point है on the task bar place the mouse pointer over the window explorer। जो task bar रहता है यहाँ पे आपका माउस डालने के बाद जो सारी की सारी विंडोज आ जाएगी वो, और ये हाईलाइटेड विंडो जो है
ये होगी आपकी एक्टिव विंडोज। ओके तो आप देखेंगे यहाँ पे, यू विल सी द स्मॉलर विंडोज ऑन द ओपन लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट पिक्चर एंड तीनों के तीनों विंडोज खुल जाएगी और उस पर आपको कौन सी आपको खुली है वो दिखेगी। और ये है जो बीच में की हाईलाइटेड करी हुई है, ये हाईलाइटेड विंडो आपकी एक्टिव विंडो आपको बताएगी। ओके सो थैंक यू, आपका यहाँ पे मिड टर्म का सिलेबस पूरा हो चुका है पूरा। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो एग्ज़ाम है उसके लेसन के बाद में जो ये दी हुई है फिल इन द ब्लैंक्स, उस पर ही पूरा पेपर आएगा। कुछ टेंशन की बात नहीं है, वो एक बार सिर्फ पढ़ लीजिएगा पूरी की एकदम ईजी है। नहीं मिला तो इस पे ढूंढिए, लेसन में ढूंढिए, आपको मिल जाएगा पूरा। फुल इजी पेपर है, फिल इन द ब्लैंक से ऑल। सो कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके थैंक यू।